हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल बगीचे ख्वाहिशों का। मैं बताऊंगी आज प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाना कितना आसान है और बहुत फ़ायदेमंद है हम लोग को पौधों के लिए। तो प्याज के छिलके आप लोग फेंके नहीं, जो भी किचन में प्याज के छिलके आप लोगों के निकल जाए, जो फेंक देते हैं आप लोग उसको फेंके नहीं, उसको इकट्ठा कर ले। इकट्ठा करके सुखा ले आप लोग, अच्छी तरह से सुखा ले। देखिए मैं यहाँ पर जो छील रही हूँ उसमें थोड़े कच्चे छिलके भी आ गए हैं, क्योंकि दिखाने के लिए बना, वीडियो बनाने के लिए मेरे पास ज़्यादा छिलके नहीं हैं, इसलिए मैं कच्चे भी डाल दे रही हूँ। आप लोग कच्चे वाला नहीं डाले, सिर्फ जो ड्राई एकदम हो गए हैं वही उसी को डाले, चाहे तो सुखा ले, बढ़िया से सुखा के तब उसको फर्टिलाइज़र के लिए रेडी करें। तो किचन के में से जो भी प्याज के छिलके निकलते हैं फ्रेंड्स, उसको आप लोग फेंके नहीं, हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन रहते हैं, पोटेशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, बहुत सारे तरह के विटामिन्स रहते हैं हम लोगों का जो फल फूल का गाछ होता है उसमें डालने के लिए। तो आप लोग फेंके नहीं, मैं तो फेंकती नहीं हूँ कभी भी। मैं बहुत सारे बना के रखी हूँ फर्टिलाइज़र, काउडंग फर्टिलाइज़र बना के रखी हूँ, नीम का बना के रखी हूँ, कच्चा हल्दी और नीम का, वो भी मैं एक दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। उसका तो वीडियो मैं नहीं बना के रखी थी, अब फिर से बना के दिखाऊंगी, लेकिन बनाए हुआ बहुत सारे हैं मेरे पास। देखिए एक डब्बा लीजिए, चाहे बाटी ले लीजिए, ऐसा बाउल जो ढकना लगा सके आप। तो मैं डब्बे में ही रख रही हूँ, मेरे पास 100 ग्राम जैसा है प्याज का छिलका। 100 ग्राम में मैं पानी मिलाऊंगी, पानी मिला के इसको ढक्कन बंद करके रख दूंगी। देखिए तो इसमें मैं 650 ग्राम जैसा पानी ऐड करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी पानी मिला रही हूँ। आप लोग चाहे तो जो बारिश का पानी होता है उसको अगर आप इकट्ठा करके रखे होंगे, मैं तो रखती हूँ हमेशा, तो बारिश का पानी अगर मिला के इसमें बनाए फर्टिलाइज़र तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं इसमें बारिश का पानी ही डाल रही हूँ। बारिश का पानी मैं स्टोर कर लेती हूँ जितना पाती हूँ, माने सकती हूँ जितना बर्तन डब्बे उब्बे रहते हैं खाली, उसमें भर के रख लेती हूँ। तो 600 ग्राम जैसा पानी डाल दे रही हूँ, या तो आप लोग मिनरल वाटर भी डाल सकते हैं, कुछ से मिला दीजिए ऐसे, चाहे तो ढकना लगा के हिला देने से भी हो जाएगा, नहीं मिलाने से भी होगा। मिला के कहीं ठंडी जगह पे 2 दिन के लिए इसको रख देना है, 2 से 3 दिन रख दीजिए फ्रेंड, 3-4 दिन से ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो इसमें बदबू आने लगेंगे। मैं 2 दिन रखूँगी कहीं ठंडी जगह पे, या तो गाछ के नीचे रख दे, या घर में कहीं कोने में भी रख सकते हैं अच्छे से ढक्कन लगा के। देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन बाद मैंने इसको निकाल लाई हूँ, अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। इसके सारे जितने न्यूट्रिएंट्स है सब निकल के आ गए हैं पानी में लिक्विड बन के। देखिए अभी मैं छान के आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर आप जो देख रहे हैं पिंक दिख रहा है, अगर मैं कच्चे वाले छिलके नहीं डालती इसमें तो ये पूरे एकदम गाढ़ा कलर का दिखता, मतलब जैसे लाल चाय बनता है हम लोग का, ग्रीन टी लाल चाय जो बनता है जिसमें दूध नहीं डालते हैं, वो कलर का होता। तो आप लोग जब बनाए तो सूखे पत्ते ही डालें, बिल्कुल जो सूखे होते हैं। जो मैं पहले बनाई हूँ वो सब लाल चाय का कलर जो होता है, ग्रीन टी का, उसी का कलर का है। ये गुलाबी हो गया है थोड़ा, लेकिन काम ये भी करेगा। मैं इसको ज़्यादा दिन बचा के नहीं रखूँगी, इस्तेमाल कर लूँगी। मेरे पास 4-5 डब्बे हैं, ये जो बचा है वेस्टेज इसको मैं सब्जी का जो खाद बनाती हूँ उसमें मिला दूँगी, फेंकूँगी नहीं। देखिए मैं स्पेयर बोतल में भर रही हूँ, आधे कप करके 2 बार भरूँगी, और इसमें मैं पानी मिलाऊंगी। जितना डालूंगी लिक्विड उससे ज़्यादा डालूंगी पानी, मतलब आधा कप करके 2 बार लिक्विड डाल दी हूँ मैं, तो 2 कप में भरती पानी डालूंगी इसमें स्प्रे करने के लिए, जो पौधों के ऊपर मैं स्प्रे करूंगी। इसलिए अगर मैं पौधे का मिट्टी में डालूंगी, चाहे आप लोग डालें तो उसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, ऐसे ही कुछ पानी उनी नहीं मिलाना है, ऐसे ही डाल देना है अगर मिट्टी में डालना है तो। बहुत फायदा
मदद करता है हम लोग को, पौधों को। ये फूल खिलाने में अच्छा मदद करता है, फूल का रंग अच्छा होता है। फल फल वाला घास में अगर मिट्टी में डालेंगे तो 15 दिन बाद बस डालिएगा, चाहे फल का हो चाहे फूल का हो, मिट्टी में डालने से 15 दिन बाद डालिएगा। मैं वैसे ही करती हूँ। और स्प्रे करने के लिए मैं 7 दिन बाद बस स्प्रे करती हूँ इसको, कभी 8 दिन बाद भी करती हूँ। तो मेरा इतना बच गया है, फिर 15 दिन बाद मैं घास में डाल दूँगी। आज थोड़ी सी डाल दूँगी, बाद में स्प्रे करके आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कैसे स्प्रे करना है। ये डब्बे को मैं खर्च कर दूँगी, इसको रखूँगी नहीं। देखिए पत्ते में अगर स्प्रे करना है तो ऐसे करके पानी मिला के आप लोग कीजिएगा फ्रेंड्स। पानी और जो लिक्विड मिला है उसको अच्छी तरह से हिला लीजिएगा, हिला के मिला के तब कीजिएगा स्प्रे। डाल टूट गया है मेरा, एक नयन तरह का सदाबहार का। अगर आप लोगों को पानी में मिट्टी में डालना है तो मैं ऐसे ही डाल के बता रही हूँ, ऐसे नहीं डालना है। डायरेक्ट जो हम लोग लिक्विड बनाए हैं वो ऐसे ही डाल देना है, उसमें कुछ नहीं मिलाना है। आधा गिलास जैसे आप 10 इंची का पॉट में डाल सकते हैं। 15 दिन बाद बाद स्प्रे करेंगे अगर पौधों में तो पत्तियाँ बहुत सुंदर खिलेंगी, नई नई पत्तियाँ निकल के आएंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं ये सब में डाल रही हूँ, मैं डालती हूँ 7 दिन बाद बाद। देखिए पौधा का जो हिबिस्कस का पौधा है कितने अच्छे से पत्ते हुए हैं इसके, नए नए पत्ते निकल के आते रहते हैं इसमें। मिट्टी में अगर डालेंगे तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग बिना पानी मिलाए जो लिक्विड बना है उसी को डालिएगा। 15 दिन बाद बाद स्प्रे करना है पत्तों पे, तो पानी मिला के आधे से ज़्यादा पानी आधे से कम लिक्विड डाल मिला के आप लोग स्प्रे कर सकते हैं पत्ते पे, वो भी 7 दिन बाद बाद। अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर पौधों पे हम लोग स्प्रे करेंगे तो इसका पत्ती अच्छे से आएंगे, बढ़िया से नए नए पत्ते निकल के आएंगे। अगर मिट्टी में डालेंगे तो फूल का कलर बहुत सुंदर होगा, फल बहुत अच्छे से खिल के आएंगे। इसीलिए प्याज का छिलका फेंकिए मत। आप लोग भी ऐसे लिक्विड बना लीजिए घर में और अपने फलदार पौधों में, फूल वाले पौधों में डालिए, ताकि फूल का कलर और सुंदर निखर के आए और फल बहुत ज़्यादा ज़्यादा खिले। इसलिए मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, बैंगन का पौधा है मेरा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स।